10 साल में पहली बार ये कार खुल रही है। मुकेश भैया इसको भी रख लो काम पे। बोल तो करो खुला है। भैया जी एकदम मीठी बना देना इसको। दुनिया में जितनी कार है कोई सी भी हो सबके आपको सीट कवर मिल जाएगा, बहुत बेस्ट प्राइस में मिलेंगे। भैया ये कितने साल चलेगा? लाइफटाइम चलता है। भैया लाइफटाइम की वारंटी दे रहे। तो गाइस ये रही आपके भाई की कार। भैया जी अभी हम क्या कर रहे हैं कार में? सीट कवर लगाएंगे, फ्लोरिंग मैट और इंटीरियर करेंगे। सुन लिया क्या क्या होने वाला है? सीट कवर निकल आपके भाई की ऑल्टो को देखो क्या बनाते हैं आज हम लोग। तो गाइस अभी क्या सीन है, हमारी जो ऑल्टो है उसकी सीट वीट सब फ्लोरिंग हो रही है और आपको दिखाऊंगा कहाँ जाके सीट कवर बनते हैं, कहाँ से हम सीट कवर ले जाएंगे, सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो के साथ पूरी मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखनी और आगे आपको सबको मिलवाऊंगा हमारी कार के अंदर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, आगे का शॉट दिखाता हूँ आपको। बाकी कितना टाइम लगेगा भैया सीट निकलने में? दस मिनट गाइस। फिर आपको ले जाते हैं जहाँ सीट बनाते हैं। 10 साल में पहली बार ये कार खुल रही है। मेरी कार भैया कभी नहीं खुली थी। अब खुल गई। और आपको जानना है मैं कहाँ करा रहा हूँ? ये देखा है पांडे की सीरीज करोल बाग में मार्केट में। सीट निकालने में वैसे काफी प्रॉब्लम होती है क्या भैया? इतना यहाँ पे अजय भाई को भी काम पे रख लिया। मुकेश भैया इसको भी रख लो काम पे। वही तो करो खुला है। अंकल जी हेलो कर रहे हैं। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे का भी कैसे सीट कवर बनते, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको जो किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। पूरा प्रोसेस कैसे सीट कवर बनते हैं वो मैं आपका भाई दिखाएगा। आगे मिलते हैं गाइस। ये देखो अपनी ऑल्टो का काम चल रहा है। भैया बताएगा अभी क्या काम? भैया अभी क्या काम चल रहा है इसमें? जैसे कि भैया आप देख रहे हैं कि ये पहले चौक से निशान मारना पड़ता है इस पे। उसके बाद क्या होगा ना कि इस पे सिलाई लग जाएगा, फिर ये डिजाइन बन जाएगा अपना। जैसे ये डिजाइन आ रहा है ना आपका, ये डिजाइन बर्फी का। अच्छा इसी, अच्छा बर्फी ऐसा डिजाइन। अच्छा ये सो बर्फी ऐसा डिजाइन कह रहे हैं। बर्फी बन जाएगी क्या? बिल्कुल एकदम बर्फी ऐसी स्वीट हो जाएगी ना, एकदम मीठी। बिल्कुल छोटा बर्फी बनेगा ये। अच्छा 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 हाँ। और बनने के बाद ये अच्छा लगेगा। भैया जी एकदम मीठी बना देना इसको। ऊपर दिखाते ऊपर फोम है। अंकल जी आप क्या करते हो फोम में? मतलब आप फोम लगा के देते हो? हाँ अंकल देखो एकदम ऊपर बैठे हुए फोमों में, यही अंकल लगा के देते हैं। फिर वो नीचे आते हैं फिर यहाँ पे अंकल जी प्रोसेस करते हैं। ये देख लो जेरी हमारे ऑल्टो का काम कर रहे हैं। अंकल जी बताएंगे क्या काम? अंकल जी क्या काम हो रहा है अभी? हमारा काम हो रहा है अस्त्र होगा अभी। हाँ जी ठीक है गाइस आपको अस्त्र करके दिखा दो अंकल। चलो अंकल अस्त्र कर रहे हैं अपनी कार में। जितना हो सकेगा मैं उतना आपको दिखाऊंगा। अपना कपड़ा भैया के पास हुआ। भैया अभी क्या काम होगा इसमें? भैया अभी इस पर कुल्डिंग होगी। कुल्डिंग होगी? कुल्डिंग मतलब? कुल्डिंग मतलब साइडों में सिलाई लगेगी। अच्छा साइडों में सिलाई लगेगी। ओके सर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे करते हैं। आज ये भी काम करते हैं पकड़ा गया गाइस। अब अगर इसको आपने रखना है अपने घर पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टेक्ट है ना, है ना, मस्त है ना। अभी भी रख दिया काम पे भाई। अच्छे काम कर रहे हैं भाई भी काम कर रहा पूरी कार का सीट पर भैया बना रहे हैं ना? हाँ जी भैया पूरी बहुत मेहनत से बना रहे हैं।
सो गाइस अभी का सीन है, हमारा जो सीट कवर रेडी होने वाले होने के वाले मतलब मैं कहूँ तो उसमें अभी जो जुड़ाई चल रही है जुड़ाई में अराउंड जुड़ाई कहते हैं मतलब दोनों चीज़ को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद हमारी चलेगी, उसके बाद जो साइड की बॉर्डरिंग होती है उसको भी जोड़ा जाएगा। उतना खास नहीं है बट जितना मैं आपको दिखा सकता मैंने दिखा दिया, क्योंकि किसी ने भी आपको सीट कवर बनते हुए नहीं दिखाई होगी, आपके भाई ने दिखाई है। तो लाइक करके इस बात पर जरूर जाओ, और स्क्रीन में मैं आपके लिए नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे आपको बेस्ट डील मिल जाएगी सीट कवर के, चाहे आपके हुंडई हो वरना कोई सी भी कार हो, दुनिया में जितनी कार है कोई सी भी हो सबके आपको सीट कवर मिल जाएंगे बहुत बेस्ट प्राइस में मिलेगा, जो आपको आसपास करोल बाग में किसी के भी पास वो प्राइस नहीं मिलेगा वो मिलेगा इनके पास। सो गाइस अभी मैं आपको सबसे मिलाऊंगा जिन लोगों ने हमारी सीट में काम किया, सब भाइयों से मिलाऊंगा, उनसे हेलो करवाते हैं आप आगे देखना। सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करी, भैया जी एक बार हाय कह दो सब लोग। तो गाइस सभी लोगों ने काफी मेहनत करी, अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ कार का सीट के कवर जब लगेगा आगे मिलते हैं आपको। सो गाइस हम फाइनली शॉप पे आ चुके हैं, हमारी सीट कवर खुल रही है, देख सकते हैं सीट कवर खुल रहे हैं, आपको मैं टाइम लैप्स दिखाऊंगा आगे लगते हैं सीट कवर, आप आगे एंजॉय करना पूरे टाइम लैप्स, आगे मिलते हैं आपसे। के सीट कवर लग रहे हैं और एक ही लग चुका है तो कैसा लगेगा आपको लगने के बाद? ये देखो भैया जी काम कर रहे हैं, कितनी देर और लगने वाली भैया? आधा घंटे और लगेगा। देखो आपके भाई ने ये फ्लोरिंग डिसाइड किया अपने कार में लगाने के लिए, अच्छी क्वालिटी का यार। भैया ये कितने साल चलेगा? देखो भैया लाइफ टाइम की वारंटी दे रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और इसी मेरे को कलर अच्छा लगा, वो जो मेरा अंदर इंटीरियर हो रहा है उसके साथ भी बड़ा मैच करेगा, और आगे आपको दिखाता हूं काम होते हैं। तो भैया चले गाइस ये देख लो हमारी फ्लोरिंग हो रही है, और भैया एक और चीज बताए थे, भैया क्या बताए थे फ्लोरिंग से पहले क्या होनी चाहिए? भैया कहीं भी फ्लोरिंग करवाओ वैक्यूम क्लीनर जो आपकी गाड़ी में मिट्टी होता है वो पूरी वैक्यूम करके हम निकालते हैं पहले, उसके बाद फर्श साफ करके फिर ये फ्लोरिंग करते हैं। अच्छा आपके नीचे का डस्ट पूरा क्लीन हो जाता है। अच्छा गाइस वैसे हमारी कार काफी पुरानी और गंदी काफी थी ना भैया, एक और चीज बता देते, कुछ लोग भैया क्लीनिंग नहीं करते हैं ना शायद? नहीं जो होता है भैया हम फ्लोरिंग करने से पहले पूरी गाड़ी क्लीन करके वैक्यूम से साफ करते हैं, उसके बाद फ्लोरिंग करते हैं, इससे नीचे कोई डस्ट नहीं रहता है। हर गाड़ी में होता है, चाहे अल्टो लिया हो या फॉर्च्यूनर लिया हो, हर गाड़ी में, वरना हुंडई कुछ भी देख लो आप ध्यान से, अगली बार करवाओ भी ना तो ध्यान रखना फ्लोरिंग में आपका वैक्यूम क्लीनर यूज हो, क्लीन हो, अगर क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा? नीचे भी डस्ट रह जाते हो, गंदगी रहती है बस। अच्छा 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 गाइस देखिए करवाना जो भी आप काम करा रहे हो, और अभी मैं कहाँ पे देख लो काम होने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है फ्लोरिंग, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कैसा कलर आपके भाई ने चूज किया और कैसा लग रहा है ये। ठीक है गाइस मुकेश भी हमारी सीट लगा रहे हैं, भैया कैसे लग रहा है सीट कवर? अभी आप फिट होने भी है, पूरे लुक देखना मेरी गाड़ी। अच्छा देख लो मैट ऐसे लग गया, अभी आपको सब बिखरा हुआ लग रहा है सीट में सब पीछे, आपके भाई का सामान पूरा बिखरा हुआ, आपको पूरा लगने के बाद दिखाता हूँ कैसे लग रहा है वो। देखो आपके भाई ने शेयरिंग भी करा दी है, शेयरिंग दिखाता हूँ पास जाके कौन सा करवा रहे हैं जी। देख लो शेयरिंग कौन सा, ये शेयरिंग कवर नहीं है, हैंड स्टिच शेयरिंग, आपको देखो कितने फाइन तरीके से किया है भैया, एक नंबर काम जो होते हैं ना वो है। देखो कहीं से कुछ बाहर नहीं निकल रहा, एकदम परफेक्ट कैमरा एकदम आपको जस्टिस कर रहा होगा। अब देख लो सब कुछ आगे पीछे आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसा, जब फाइनल मिलेगा तब आप बताना कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगती है कार आपके भाई की। भैया हमारे पिलर्स, भैया कितने पिलर्स कर रहे हैं? दो फ्रंट के, इसमें भैया दो ही होते हैं। अच्छा दो ही होते हैं, हमारी कार थोड़ी पुरानी है इसमें दो ही मिलते हैं आपको। तो भैया अभी क्या कर रहे हो? इसमें पेस्टिंग हो रही है भैया। पेस्टिंग हो रही है, तो कितना टाइम लग जाता है पिलर करवाने में? अलग अलग गाड़ी का अलग अलग हिसाब होता है भैया, इसमें आपको आधे घंटे में हो जाएगा। हमारी कार ऑल्टो, और किसी की वरना हो i20 उसमें कितना टाइम लगेगा? टाइम लगता है भैया, उसमें 6 पिलर होते हैं। अच्छा 6 पिलर होते हैं, कितना उसमें लग जाएगा अराउंड? डेढ़ घंटे मान के, डेढ़ घंटा मान के चलो। देखो भैया पेस्टिंग कर रहे हैं, कैसी कर रहे देखो, ये यहाँ पे कर रखा है, ये हमारा सीट कवर नीचे पुराना आना। गाइस ये देख लो ये फेविकॉल है भाई, एक और चीज बताते रंजीत भैया, रंजीत भाई क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था जैसे ये पिलर जो लग रहा है ना, ये पिलर कई आदमी इसके ऊपर ये जो चीज आप देख रहे हैं इसमें बोस्टिक लगाते हैं, पर हम बोस्टिक नहीं लगाते, फेविकॉल 998 लगाते हैं हम।
ताकि इसकी पेस्टिंग मजबूती बने। इसका रीजन मतलब कोई और भी तो लगा सकता है, जो बॉक्सिंग कह रहे हो आप, बॉक्सिंग से क्या होगा कि बाद में निकल जाएंगे, हवा भर जाएंगे इसमें। अच्छा गाइस, अगर करा रहे तो देख के कराना यार, सभी कोल से वो जेन्युइन एकदम एक नंबर वाला काम होने वाला है, एक नंबर काम होगा, एक नंबर काम होने वाला है। देख लो ये थोड़ा संभल के कराना, अगर आप करा रहे हो गाइस, ये देखो हमारे पीछे का हो चुका है, अब आगे का भैया कर रहे हैं। ये आपको लग चुका है, देख लो आप पिलर्स, ये आपको मैं अंदर बैठ के दिखाऊँ कैसे लग रहे हैं, कैसे फाइन क्वालिटी है कि नहीं। अच्छा मतलब लग रहा है कि नहीं, अंदर बैठ के दिखाऊंगा, अभी भैया को काम कर लेते, फिर आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। देखो चारों सीट लग चुकी है, एक का एड्रेस रहता है अंदर क्या क्या हो रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ, एक बार हो जाए, एक बार फिलहाल फाइनल, ठीक है। और टाइम देख लो, टाइम हो रहा है गाइस, ये देख लो टाइम 9:30 बज चुके, 9:30 प्लस हो चुका, मैं अभी तक यहाँ पे हूँ, और मैं आया था अराउंड 3 बजे, अराउंड आया था 3-4 बजे से काम चल रहा है गाइस। देख लो गाइस, ये देखो आपके भाई की सीट कवर रेडी हो चुकी है, देखो देखो देखो, ये ऐसे लग रहे हैं, ये मैंने करवाया बकेट सीट कवर, अगर आप देख पा रहे होगे गाइस, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, आप देख पा रहे हो। भैया रंजीत भैया से बात करते हैं, रंजीत भैया इसमें कौन सा कपड़ा लगाया आपने इस कार में? ये रवेरा व्यू है, रवेरा व्यू, ओके। अगर किसी को यही लगाना हो तो कितने का पड़ जाएगा, कॉस्टिंग क्या पड़ जाएगी? नहीं पहले एक चीज मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, ये पीछे के बैग जरा मुकेश जरा फोल्ड कर लिया भैया, क्या होता है कई बार मार्केट में ना 99% आप सीरो लगाते हैं, ये पूरा कवर नहीं करते हैं, वो सिर्फ इतना ही कवर करते हैं और इतना कवर करते हैं। अच्छा तो जो मेरी पुरानी वाली जो इसमें सीट कवर थी इसमें से वो लगा रखा था, एक से रस्सी से जोड़ रखा था शायद, यहाँ तक यहाँ कपड़ा था और यहाँ तक लंबाई में कपड़ा था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और ये पूरा कवरिंग है, इतना फाड़ लग रहा है ना, पता ही नहीं लग रहा कि आगे सीट कवर मतलब लगे भी है कि नहीं, एकदम कंपनी फिटेड लग रहा है गाइस, देख लो आप इसका, और आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। और एक हमने ये फ्लोर मैटिंग भी किया गाइस, गाइस ये फ्लोर मैटिंग बताना कैसी लग रही है, देख लो अभी थोड़ी गंदी हो रखी है, बट ये देखना कैसी लग रही है बताना जरूर, आगे दिखाता हूँ आपको। ये देख लो बकेट सीट कवर, ये हमने थोड़ी पिलर भी कराया, ये हमारा पिलर है। अच्छा आल्टो में सिर्फ दो ही पिलर होते हैं, देख लो एक ये रहा और एक ये रहा आपका पिलर, थोड़ी लाइट की दिक्कत हो रही होगी। तो अगर किसी को किसी और में पिलर कराना है, शिफ्ट होगी वरना होगी, ऑल्टो तो बहुत कम लोग के पास है, तो क्या उसमें कॉस्टिंग पड़ जाएगी पिलर की? स्विफ्ट में एक्चुअली क्या होता है 6 पिलर होते हैं, आल्टो में सिर्फ 2 पिलर होते हैं। अच्छा ठीक है, और स्विफ्ट होते 6 पिलर, ठीक है। अगर कॉस्टिंग हम मांगते हैं भाई, सीट कवर हो गया, डोर पैनल, ओके ओके, डोर पैनल, सीट कवर और फ्लोर मैटिंग और स्टेरिंग कवर। जी देखिए स्टेरिंग कवर हैंड से मैं आपको दिखा चुका हूँ, देख लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है, और एकदम मैं आपको दिखाऊँ ना, एकदम अंदर से जो स्टेचेस लगे हुए एकदम ऐसे, और ये एक बार पिलर की क्वालिटी दिखाओ ना यार, जो भी काम करा रहे हो एकदम लास्ट में सर देखो कैसा लग रहा है, क्योंकि यार आपका कार का काम है, एकदम बैठ के आपको देखना पड़ेगा तभी एक नंबर वाला काम होगा। देख लो कहीं अगर आपको मैं एजेस दिखाऊं तो यार देख लो कहीं से भी कुछ मतलब बाहर निकल के नहीं आ रहा, और एकदम इधर भी देखोगे तो ये रहा देखो पूरी ऐसी लग रही है, देख रहे हो पूरी, और ये रही अपनी सीट कवर, बकेट सीट कवर कैसी लग रही है, सीट कवर मैटिंग फ्लोरिंग कैसी लग रही है, अपनी स्टीयरिंग कैसी लग रही है, अपने पिलर कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना यार कैसे लग रहे हैं। गाइस रंजीत भैया से पूछते हैं हमारी कार में कितना कॉस्ट पड़ चुका है, रंजीत भैया कितना पड़ गया इसमें, कितने लग चुके हैं? सर ये हमने लगाया है टोटल 4 सामान, यानी कि सीट कवर, एक फ्लोर मैटिंग, एक स्टेरिंग कवर और एक डोर पैनल। ओके तो आल्टो में हम इसका कोई कॉस्ट हम ये मान के चलते हैं, रिवेरा व्यू है विद लेमिनेशन व्यू है, गाइस एकदम टैन कलर का करवाया हम लोगों ने, ये टोटल कॉस्ट इसका पड़ता है 6500 रुपये। भैया मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई अपनी कोई बर्ना लेके आता है, मिनी एसयूवी लेके आता है, बिटाना भेजो या फिर एसयूवी लेके आता है अपनी एसयूवी 500, या फिर कोई शिफ्ट लेके आता है या फिर i20 लेके, तो क्या उसका अप्रॉक्स प्राइस पड़ जाएगा लोगों को? हम एक स्विफ्ट से हम स्टार्टिंग होते हैं। अच्छा शिफ्ट का बता रहेगा, सुन लो अप्रॉक्स कॉस्ट बताएगा, स्विफ्ट लगेगा एक सीट कवर, ओके 6 पिलर, 4 डोर का, ओके एक स्टेरिंग कवर, एक गियर मोड। अच्छा और उसमें कुछ से आइटम है जो हम डैशबोर्ड में भी उस पर हम डिस्प्ले करते हैं, डैशबोर्ड पे भी लेदर लगा देते हैं, तो उसका प्राइस क्या पड़ जाएगा? इस रिवेरा लेदर में आपको मांग का जो 9000 रुपए का, गाइस 9000 की आपकी कॉस्ट अप्रॉक्स कॉस्टिंग बता रही है, कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी, आगे पीछे हो सकती है। भैया का नंबर मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, आप उनको कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं गाइस, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस मिल, सबका एड्रेस मिल जाएगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा। सो गाइस ये थी हमारी पूरी टीम, सब लोगों ने बहुत हेल्प किया, रंजीत भैया ने बहुत सीट कवर में हेल्प किया, ये भैया ने सीट कवर लगाने में बहुत हेल्प किया, और मुकेश भैया अपने इन्होंने भी काफी हेल्प करी गाइस, सब कुछ सेटिंग इन्हीं लोगों ने बिठाई, बाकी भैया ने सबकी हेल्प करी है, हमारे राजीव भैया इन लोगों ने हमारी मतलब पूरी फ्लोरिंग में डिसाइड किया कि कौन सा कलर लगाना बेटर है और एकदम टॉप एंड बना दिया। तो भैया अगर मेरे को किसी को यहाँ आना कैसे आएगा, मतलब क्या एड्रेस बता दो मेरे ऑडियंस को।
पांडे कार एक्सेसरीज 10158 पदम सिंह रोड सुंदर बड़ौदा बिल्डिंग नियर मछली का पार्किंग और सामने ही देख रहे हैं आप दस रुपा का भाई दिख रहा है आपको किसी को भी आप देख लोगे ना इनका बोर्ड अलग लगेगा बोर्ड भी दिखा दूंगा आपको और नंबर डिस्प्ले भी कर दूंगा आपको अब बड़े आराम से कॉल नहीं पूछ सकते क्या आना है क्या करवाना है आपने टॉप एंड बना देगा आपकी कैसी भी कार हो चाहे मारुति 800 ले आओ है ना भैया गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय भैया मैसेज बोलते हैं बाय बाय।